तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीरो स्प्लेंडर पल्स बाइक की गियर शाफ्ट है। गियर शाफ्ट को हमें यहाँ पर इंजन के चैम्बर में एडजस्ट करना होता है। तो चलिए गियर शाफ्ट को लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, शाफ्ट को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। शाफ्ट को लगाने के लिए पहले इसके गियर सिलेक्टर के अंदर की साइड इसकी पिनों की हमें फिटिंग करनी होगी। इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये इसकी सिलेक्टर की पिनें दी गई है। दो बारीक पिनों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है और इसके बाद इसके साइड में इसकी पिनों को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए पिनों को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सभी पिनों की जो फिटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसकी गियर शाफ्ट को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए गियर शाफ्ट को लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, गियर शाफ्ट की जो फिटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसकी पत्ती को हमें एडजस्ट करना होगा। ये इसके ऊपर की साइड की पत्ती दी गई है, इस पत्ती को हमें यहाँ पर लगाना होता है। देखिए इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके रिचड को हमें लगाना होगा। ये इसके ऊपर की साइड का रिचड दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसकी फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके बोल्ट को हमें लगाना होगा। ये इसका 10 नंबर का बोल्ट दिया गया है। इस बोल्ट को हमें इसके अंदर की साइड लगाना होता है और 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। इसके बोल्ट की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद 10 नंबर की टी हैंडल की सहायता से इसके इस बोल्ट को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, बोल्ट की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके गियरों का वर्क हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके सभी गियर लग चुके हैं। इसके बाद गियरों से हमें बाइक को न्यूट्रल करना होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये न्यूट्रल हो चुकी है और जो गियर शाफ्ट की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों, जो हीरो स्प्लेंडर पल्स बाइक के गियर शाफ्ट चेन की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।